सो मैं अभी सिर्फ सो के उठी हूँ, 7 बजे हैं। हमारा जल्दी उठने का प्लान था, जल्दी उठ के जाएंगे, बट मैं सोते रह गई, सो मुझे उठाया भी नहीं। तो अभी मैं नहा ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ चेंज करके हम एक वाटरफॉल देखने जा रहे हैं, उसके बाद आके मैं नहाऊंगी। सो ये क्या हो रहा है, सो मैं ऐसे ही चेंज कर रही हूँ, आगे नहाऊंगी, आगे ब्रेकफास्ट करेंगे, वाटरफॉल है वहाँ पे जा रहे हैं, नहाएंगे धोएंगे, स्कूटी से जा रहे हैं, हाहा सो मच फन। ओके मिलते हैं बाद में। चेंज कर लिया, मैंने ड्रेस पहन ली है, आई डोंट नो व्हाई मैंने ड्रेस पहनी है, बट ठीक है, सो लेट्स गो। बट इसे भी है कहा, एक मिनट, टाडा। तो हम लोग जा रहे हैं सीक्रेट वाटरफॉल, या अभी वो स्कूटी निकाल रही है एंड देन हम लोग जाएंगे। तो या लेट्स गो, मैंने सिर्फ चेंज किया अभी तक, आके मैं नहाऊंगी। तो ये मेरे होटल के हॉस्टल के सामने से व्यू है, कहाँ से अच्छी खुशबू आ रही है ना, कल का दिन भी है। वहाँ से 300 मीटर ही रह गया है, हम लोग बाकी स्कूटी से आ गए हैं, बाकी हम लोग पैदल जाएंगे। अभी वो स्कूटी पार्क कर रही है, सो या लेट्स गो। मैं पहले व्यू दिखाती हूँ, सो प्रीटी, थोड़ा सा और, ऑल्दो सिर्फ 400-500 मीटर था, लेकिन थक गया, थोड़ा चढ़ना पड़ रहा है ना, सो या ये हमें गाइड कर रहे हैं, चलो चलो चलो। यहाँ से 100 मीटर और ऊपर बोल रहे हैं, मतलब हमें इधर जाना है अभी, तो ये मुझे लगा ये वो तो बोले पर, बट वो बोल रहे हैं ऊपर जाना है 100 मीटर और, एंड दैट्स इट। मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी, बहुत सुंदर है, सारा पसीने पसीने हो गया, ब्यूटीफुल। वाटरफॉल से ऊपर छोटी सी शॉप है मेरे ख्याल से खाने पीने की, कैफे नहीं है इसे, हाँ लेट्स सी क्या है। सो हम लोग अभी ऊपर जा रहे हैं कुछ खाने पीने, सो यस लेट्स गो। दिख रही है, हाँ जस्ट लुक एट द व्यू, शिव शक्ति कैफे, सो प्रीटी। हार्ट चक्र आई थिंक मेडिटेशन एंड ऑल, मुझे शो यू द व्यू, वाओ जस्ट लुक एट दिस, सो प्रीटी। दिस इज़ द होल कैफे, और इतना सुंदर है, इतना प्रिटी है। अभी ऑर्डर देंगे, खाएंगे, फिर जाएंगे वापस से नीचे, सो या सो प्रिटी। तो ये है शिव शक्ति कैफे, हम लोग आए थे सीक्रेट वाटरफॉल देखने स्कूटी से, स्कूटी एक जगह पार्क करी, फिर थोड़ा ट्रैक किया,
आई थिंक 500 मीटर ट्रैक किया, उसके बाद वाटरफॉल के थोड़ा सा ऊपर और ट्रैक किया, फिर है ये शिव शक्ति कैफ़े। शिव शक्ति कैफ़े के पास प्रॉपर्टीज़ भी हैं, मतलब आप स्टे कर सकते हो, यहाँ पे रिजॉर्ट भी है, और अगर आपको भीड़ भाड़ से दूर जाना है तो यहाँ पे ये जगह आपके लिए है। यहाँ पे छोटे छोटे कैबिन बने हुए हैं मेडिटेशन के लिए, बेसिकली ये योगा पीठ भी है। नहीं अभी नहीं आया, आ रहा है। तो हार्ट चक्रा मेडिटेशन, क्राउन चक्रा, थ्रोट चक्रा, ये सारी मेडिटेशन छोटे छोटे कैबिन बने हुए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं योगा वगैरह में तो ये जगह है आपके लिए। सो यस, सो हम लोग आए हैं बीटल्स आश्रम। मैंने वहाँ से शिव शक्ति के बाद हम लोगों ने खाया पिया, सीधा निकल गए हम लोग बीटल्स आश्रम। जाना तो था हमें कोई द सीक्रेट गार्डन करके कोई जगह है, बट वो क्लोज है, तो हम लोग इसलिए बीटल्स आश्रम आ गए। सो चलते हैं अंदर। पता नहीं बाल कैसे हो रहे हैं, वो स्कूटी पार्क कर रही है। मेरे फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म होने वाली है, जल्दी जल्दी से चलते हैं। इसके बाद हम फिर अपने हॉस्टल में जाएंगे, फिर 3 बजे निकलेंगे कहीं के लिए, इसके बाद रेस्ट लेना है यार। सो चलो, यही है बस यहाँ पे है। पानी देखते हैं वहाँ पर, कैंटीन बोला था ना अंदर है। हाँ, बहुत छोटी सीढ़ियाँ हैं। लेकिन ये कितने सारे हैं, कितने सही लग रहे हैं यार। बीटल्स आश्रम ये अच्छा लग रहा है। सो ये है द बीटल्स आश्रम। इस तरह के काफ़ी सारे बने हुए हैं, आई थिंक ये कुटिया जैसे हैं, शिविर जैसे, कुटिया जैसे है ना, लोग रहते होंगे उस टाइम की, उस टाइम की अकोमोडेशन है ये। फिर इंग्लिश टॉयलेट तो हाँ, तो बीटल्स है ना, तो फिर अंग्रेज ही आते होंगे यहाँ पे। नहीं देख कितने सारे बने हुए यहाँ पे, एक साथ ऐसे। यहाँ पे व्यू है एक नंबर। ओहो ब्यूटीफुल, यहाँ पे भी बने हुए। मेरे फोन की बैटरी डेड होने वाला मेरा फोन। वाओ, बीटल्स आश्रम। ये अच्छा लग रहा है, वो पता नहीं क्या था। तो बीटल्स कैफे भी आसपास होगा या फिर यहाँ पे है। ये छोटा सा कैफे जैसा, ये लग रहा है कुछ। ये आश्रम इतना बड़ा है, देख मैं दिखाती हूँ अभी, और मेरे फ़ोन में सिर्फ 2% बैटरी है, तो मैं इसको घूमूंगी अभी, फ़ोन बंद होने वाला है, फिर मैं चार्ज करूँगी जब मैं अपने रूम में चली जाऊँगी, फिर देखते हैं क्या प्लान बनता है इसके बाद। सो मैं अभी थोड़ा सा आश्रम दिखा देती हूँ आपको, जितनी मेरे फ़ोन में बैटरी है। सी अभी आश्रम इतना है, काफ़ी बड़ा है नबीटल्स आश्रम। ओके सो हम लोग वहाँ से आए, मेरा फ़ोन बिल्कुल ही डिस्चार्ज हो गया था, मैंने नीचे ही लगा दिया था चार्जिंग पे, क्योंकि ऊपर लाइट नहीं आ रही थी। अभी भी सिर्फ 37% चार्ज हुआ है। सो हम नहा धो के दोनों तैयार हो गए हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं, आई थिंक हम लोग वशिष्ठ केव जा रहे हैं। बीटल्स
द बीटल्स आश्रम बहुत सुंदर था। मेरा फ़ोन डेड हो गया वरना तो, इतना बड़ा है, इतना प्रिटी है, मैं सारा रिकॉर्ड नहीं कर पाई बट मैंने सारा घूम लिया। और तो मैंने एक दो वीडियो रिकॉर्ड करी है शिवी के फ़ोन से, इसके बाद मैं अपलोड करूँगी, सॉरी इसके बाद मैं अपलोड करूँगी। सो यस, स्टार्टिंग में तो मुझे लगा कि क्या है यार ये आश्रम, बट बहुत बड़ा है, बहुत सुंदर है आश्रम, उनके टाइम में तो मज़ा ही आ गया होगा। तो अभी हम लोग तैयार हो गए हैं, अभी 3:30 बज रहे हैं एंड आई एम रेडी, सो लेट्स गो। ये मैंने शिवी का फ़ोन लिया है क्योंकि ये बहुत सुंदर है, महर्षि का है ये वाला, महेश योगी हाउस। सो लुक एट द व्यू, मस्त है ना। है क्या आवाज आ रही है गंगा की? कल हम लोग नकली छोटी वाला गए थे, ये वाला रियल है। हम लोग छोटी वाला आए हैं फिर से, कल हम लोग शायद दूसरे में गए थे, ये वाला इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कोई सच में बैठा हुआ है। सो छोटी वाला आए हैं पैदल पैदल, सो लेट्स गो। We are back. So, हम लोग अपने रूम में वापस आ गए। आई डोंट नो क्यों हम लोग पैदल गए ऑथेंटिक चोटी वाला के पास, वहाँ का खाना बिल्कुल बकवास, बल्कि जहाँ कल गए थे उसका मच बेटर था। और पैदल गए, पैदल आए तो एग्जॉस्ट हो गए, अभी थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं, इस टाइम पे लाइट भी आ रही है, ठंडा ठंडा लग रहा है। सो अभी हम सोच रहे हैं गंगा आरती जाने के लिए, गंगा आरती एंड देन कोई कैफे एक्सप्लोर करते हैं, एंड अभी तो फिलहाल यही सोचा है। सो लेट्स सी। गंगा आरती मिस हो गई है क्योंकि 5:30 बजे गंगा आरती हो जाती है शायद, और 5:30 में यहीं पर हो गए थे। तो श्री स्लीपिंग मैं सोच रही हूँ थोड़ा यहीं पर घूम लेती हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। So, let's go. ये जर्मन बेकरी है, मेरे हॉस्टल से थोड़ा सा मतलब 100 मीटर की दूरी पे है नीचे आके। सो मैं यहाँ से व्यू दिखाती हूँ सिर्फ वो एंड वॉच। मैंने बस चाय पी और मैं आ गई, बस वहाँ का व्यू बहुत अमेजिंग था, बहुत ब्यूटीफुल। सो लेट्स गो, अब देखते हैं क्या प्रोग्राम बनता है, चलो। सो हम लोग अभी आए मोमोज खाने के लिए, हॉस्टल से निकलते ही शॉप है, मैं जब चाय पी रही थी तो मैंने देखी थी, तो हम लोग अभी मोमोज खाने आए हैं। सो लेट्स गो। उठे नहीं आप, मुझे लगा सो रहे हैं। ओके गाइस, अभी 8 बज रहे हैं और आज गंगा आरती जाने का प्लान था, और एक केव है, आई डोंट नो बस इस केव, वहाँ भी जाने का प्लान था, लेकिन हम लोग लेट हो गए, गंगा आरती मिस हो गई, फिर वो सब सो गए, थोड़ा रेस्ट किया तो कहीं जा नहीं पाए, और आज सुबह इतनी ट्रैकिंग करी है ना तो बहुत ज़्यादा थक गए हैं। लेकिन कल ये प्लान बना रहे हैं कि कल सुबह जल्दी उठ के लाइक 5:30 बजे निकल जाएंगे, अपनी 2-3 जगह घूम कर आएंगे, एंड देन शाम को कल गंगा आरती भी मुझे मिस नहीं करनी है, मेरे को सही में गंगा आरती जाने का बहुत ज़्यादा मन है। सो यस, अभी आज का डे 2 यहीं पर ख़त्म। मैंने चेंज भी कर लिया है,
मैं नीचे जाऊंगी थोड़ी देर, अपना फोन चार्जिंग पे लगाऊंगी, फोन लेके नहीं जाऊंगी, थोड़ा जर्नलिंग करूंगी और फिर बस। और अभी तक तो मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है। डे वन का स्टार्टिंग में थोड़ा लगा था लुचा, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो गया। और अभी आज का दिन भी बहुत अच्छा था, काफ़ी सारे नए लोगों से मिली मैम, सो इट वॉज नाइस। ओके, सी यू टुमारो, गुड नाइट, बाय बाय। लुक एट द मेस, ये मेरा बेड है, सारा सामान फैला हुआ है। एंड ये गुड नाइट, गुड नाइट पीपल, गुड नाइट। आई नो मैंने गुड नाइट बोल दिया है, लेकिन मैं यहाँ पे बैठी हुई थी तो अभी भी जस्ट डिसाइडेड कि स्कूटी से चलते हैं एक राइड लेने, रात में मज़ा आएगा। और सो लेट्स गो। कोई नहीं, मुझे बताए तू गाय गाय की तरह से मैं बोल रही, कोई नहीं कोई नहीं। थोड़ी देर यहाँ पे बैठेंगे, जस्ट लुक एट द व्यू यार, गंगा इज सो ब्यूटीफुल। नीचे चलो, यहीं बैठते हैं। अभी हम लोग आए हैं राम झूला, 9:30 बज रहे हैं, 10। इतना खाली है, इतनी शांति है, इतनी प्यारी हवा चल रही है ना, आई थिंक ये बेस्ट टाइम है राम झूला घूमने का, बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। यस। अच्छा, माइक के अकॉर्डिंग ना थोड़ा तो, या तो उसमें सेटिंग्स भी होती है थोड़ी, तो उस पे चप।